गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं, घर पे सुरक्षित हैं। भादरा के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 का मैथ से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम का, और हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 6, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया, और कॉपी पेन उठा लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अपनी एक्सरसाइज है 6, और क्या नाम है अभी इसका? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से। नंबर एक आपका है ट्राइगोन, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा बेटा, ट्राइगोन प्लस मैट्रॉन, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका है ट्राइगोन और सेकंड आपका कौन सा है? मैट्रॉन। ट्राइगोन, ट्राई मीन क्या होता है बेटा? थ्री। गोन मीन क्या होता है? साइड। थ्री साइड किसकी होती है? ट्राइंगल की, ट्राइंगल की। और मैट्रॉन मीन होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। मींस अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, एक नंबर का आता है कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताइएगा, तो क्या है भाई? मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी भाई? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अच्छे से नोट्स बनाना बेटा, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और नीचे आप लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर आप लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स को दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका है ट्राइगोन और सेकंड आपका क्या है? मैट्रॉन। ट्राइगोन मींस होता है ट्राइंगल और मैट्रॉन मीन होता है मेजरमेंट, मींस मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आती है ट्राइंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल भाई? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अर्थात एक राइट एंगल इज इक्वल टू वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट लगा लीजिएगा, एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे कि मैं राइट एंगल बनाता हूँ, एक राइट एंगल आपका है ए बी और सी, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन ए एंगल बी इज ए राइट एंगल। एंगल बी क्या है भाई? राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या है भाई? 90 डिग्री का। और आपने पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो आपका राइट एंगल है और ये दोनों एक्यूट एंगल है। ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल है। और ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होती है? सबसे बड़ी। अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 है और ये दोनों भी कितने हैं? 90। मींस सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और इस साइड का नाम होता है हाइपोटेनियस। इस साइड का नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस। और मैं मान लेता हूँ ये आपका है बेस और ये होती है परपेंडिकुलर। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। बेटा ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में है ना, हाइपोटेनियस हमेशा यही रहती है। बेस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ये है ना
तो अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ एंगल के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस, वो हम क्वेश्चन के आधार पे करेंगे। बट अभी आप मानना कि ये आपका क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, और इस साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। मेरे हिसाब से क्लियर है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, ध्यान से समझना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूँ मैं तो ये होते हैं बेटा 6। कितने होते हैं 6। ट्रिग्नोमेट्री नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज इक्वल टू होता है 6, और आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। नंबर वन आपका आता है साइन थीटा, नंबर टू आता है आपका कोस थीटा, नंबर थ्री आपका आता है टेन थीटा, नंबर फोर आपका आता है कोट थीटा, नंबर फाइव आपका आता है सेक थीटा, और नंबर सिक्स आपका आता है कोसेक थीटा। बेटा ये आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज इक्वल टू कितना होता है 6, और उनका सीक्वेंस क्या है, नंबर वन पे साइन, नंबर टू पे कोस, नंबर थ्री पे टेन, नंबर फोर पे कोट, नंबर फाइव पे सेक, नंबर सिक्स पे कोसेक। सीक्वेंस आपको याद है। अब देखिए उसके बाद भाई ये किसी के इक्वल तो होते हैं ना, इनकी वैल्यू तो होगी ना अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको एक छोटा सा फार्मूला नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक ही मान लीजिएगा, ये याद रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पंडित है, क्या है भाई पंडित, और पंडित कौन सा है बद्री प्रसाद, पंडित कौन सा है बद्री प्रसाद, कहाँ जाता है भाई शिव के मंदिर में, कहाँ जाता है शिव के मंदिर में। अरे भाई शिव के मंदिर में जाएगा तो क्या बोलेगा, हर हर बोलेगा, क्या बोलेगा हर हर बोलेगा, अर्थात पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, अर्थात पी का अर्थ होता है बेटा परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, और बी का अर्थ क्या होता है बेस, क्या होता है बेस, और एच का अर्थ होता है हाइपोटेनियस। आई थिंक यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए नंबर एक आपका आता है साइन थीटा, क्या आता है भाई साइन थीटा, और यहां एक दो तीन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, और नंबर क्या है भाई 6। नंबर वन पे क्या था थोड़ा सा याद कीजिएगा, नंबर वन पे आपका है साइन थीटा, नंबर टू पे क्या है कोस थीटा, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा बेटा, इनको नोट कर लीजिएगा, नंबर थ्री पे क्या है टेन थीटा, नंबर फोर पे आपका क्या है कोट थीटा, नंबर फाइव पे आपका क्या है सेक थीटा, और नंबर सिक्स पे आपका है कोसेक थीटा। आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। नंबर वन पे साइन थीटा, नंबर टू पे कोस थीटा, नंबर थ्री पे टेन थीटा, नंबर फोर पे कोट थीटा, नंबर फाइव पे आपका आता है सेक थीटा, और नंबर सिक्स पे आता है कोसेक थीटा। यहीं से निकलेंगी इनकी वैल्यू। अब देखिए नंबर वन पे है साइन थीटा, अब साइन थीटा नंबर वन पे ये है कि नहीं पी बाय एच, अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, अर्थात ए बी बाय ए सी। क्लियर है भाई। दूसरा देखिएगा, साइन के बाद आता है कोस, कोस थीटा नंबर दो पे आता है, सेकंड नंबर पे आपका कोस थीटा है बी बाय एच, बी बाय एच मीन बेस बाय हाइपोटेनियस बी सी बाय ए सी। नंबर थर्ड पे आता है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा आपका होगा पी बाय बी, अर्थात
परपेंडिकुलर बाय बेस। नंबर फोर पे आता है आपका कोट थीटा, नंबर फोर पे आपका आता है कोट थीटा। अब देखिए नंबर फोर पे यहां है, इसका अर्थ बी बाय पी मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। नंबर फाइव पे आता है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा, एच बाय बी हाइपोटेनियस बाय बेस। और नंबर सिक्स पे आता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बोलिए बेटा, एच बाय पी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए नंबर वन पे साइन, टू पे कोस, थ्री पे टेन, फोर पे कोट, फाइव पे सेक, सिक्स पे क्या आता है कोसेक। और पंडित बद्री प्रसाद कहाँ गया, शिव के मंदिर में, और क्या बोले, हर हरे बोले। अब देखिए पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, बी मीन्स होता है बेस, एंड एच मीन होता है हाइपोटेनियस। तो नंबर वन पे बेटा आपका आता है साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, पी बाय एच। कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। कोट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी। और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपका साइन थीटा तो है पी बाय एच, और कोसेक थीटा है एच बाय पी। इनमें आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के रिवर्स हैं कि नहीं, उल्टा है कि नहीं। अब देखो ये तो पी बाय एच है, ये एच बाय पी है। मीन्स एक और फार्मूला निकल गया कि अगर मैं साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं कोसेक थीटा के साथ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पहले कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच और कोसेक थीटा एच बाय पी। मीन्स साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेक थीटा होता है, कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, वन बाय कोसेक थीटा, है कि नहीं भाई, क्योंकि ये तो पी बाय एच है और ये क्या है एच बाय पी है, एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं। अगर साइन थीटा वन बाय कोसेक है तो सीधी सी बात है बेटा कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा भी इक्वल होगा वन बाई साइन थीटा के। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ एक फ्रैक्शन रखी टू बाई थ्री, और इसका उल्टा लिया थ्री बाई टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है वन। टू बाई थ्री का उल्टा थ्री बाई टू है, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया और अपने को कितना मिला भाई वन। तो ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है। सीधी सी बात है कि साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कोसेक थीटा के साथ, तो वैल्यू क्या है भाई कोसेक थीटा के साथ, तो अपने को वैल्यू कितनी प्राप्त होगी वन। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है। इसी प्रकार देखिए कोस थीटा आपका बी बाय एच और सेक थीटा एच बाय बी, एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू वन बाय cos थीटा। और बेटा अगर मैं cos थीटा को sec थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो गिवन वैल्यू कितनी मिलती है अपने को वन। यहाँ तक कोई डाउट है। थर्ड देखिएगा, तीसरा आपका आता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी। मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का उल्टा है, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन थीटा। मीन्स अगर मैं कोट थीटा को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको कितना प्राप्त होगा वन। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना। हम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक जाएंगे, 100% क्लियर करेंगे, डिटेल से करवाऊँगा एक एक, बट आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना बेटा। आप देखो
सबसे पहले आपकी जो सिक्स्थ एक्सरसाइज है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन प्लस मैट्रोन। ट्राइगोन मीन क्या हो गया बेटा, ट्राइंगल। मैट्रोन मीन क्या हो गया, मेजरमेंट। मीन्स मेजरमेंट किसका, मेजरमेंट ट्राइंगल का। मीन्स मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब कौन से ट्राइंगल का भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो। उसके बाद मैंने ये इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एबीसी, इसका राइट एंगल है बी। अब आप जानते हो कि सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, और इस साइड का नाम क्या है भाई, हाइपोटेनियस। और ये मैंने बेस माना, और ये क्या भाई, प्रपेंडिकुलर। बेस और प्रपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के सामने वाली यही रहेगी। अब उसके बाद देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, मैंने रेशियो की बात की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6। इसको आप सिक्वेंस से याद करना, नंबर एक पे आता है साइन थीटा, नंबर दो पे आता है कोस थीटा, नंबर तीन पे आता है टेन थीटा, नंबर चार पे आता है कोट थीटा, नंबर फाइव पे आता है सेक थीटा, और नंबर सिक्स पे आता है कोसेक थीटा। इनको सिक्वेंस से याद रखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इनकी वैल्यू निकालेंगे, ये किसके इक्वल होते हैं। तो छोटा सा अपने को ट्रिक ये याद रखनी पड़ेगी कि एक पंडित है, और उसका नाम क्या है भी, बद्री प्रसाद, और कहाँ जाता है, भगवान शिव के मंदिर में, और क्या बोलता है, हर हर बोलेगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, बी मीन होता है बेस, और एच मीन होता है हाइपोटेनियस। अब आपने सिक्वेंस से याद किया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, कोस होता है बी बाई एच, टेन होता है पी बाई बी, और कोट होता है बी बाई पी, सेक होता है एच बाई बी, और कोसेक होता है एच बाई पी। अब यहां से देखिएगा, साइन आपका पी बाई एच है, और कोसेक क्या है, एच बाई पी है, एक दूसरे के उल्टे है ना। तो सीधी सी बात है बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेकंड देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो इससे क्या निकला कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। थर्ड वन देखिएगा कि tan थीटा, देखो p बाई बी तो आपका tan हो गया, और b बाई पी आपका क्या हो गया, cot, क्योंकि आपने सिक्वेंस से याद रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। यहां तक क्लियर है। अब देखो sin थीटा तो 1 बाई cosec होता है, और कोसेक थीटा 1 बाई साइन होता है। तो मैंने साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1। साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 1। उसी प्रकार कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोस थीटा। अब सेक और कोस को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी अपने को कितना मिला, 1। थर्ड देखिएगा, कोट थीटा, टेन थीटा तो 1 बाई cot के इक्वल होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। अब tan को cot से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आया, 1। उसके बाद एक और छोटा सा फार्मूला आप याद रखिएगा, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, डिटेल से करेंगे हम, और जहां भी डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, दूसरे दिन आते ही मैं पहले आपका वही कराऊंगा। अब देखिए एक और याद रखिएगा बेटा आप, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगला आपका फॉर्मूला आता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो फिर कोट थीटा क्या होगा, अब आपको पता है इसका उल्टा होगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों याद रखना, जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे साइन 0 साइन 30 की, तब ये फार्मूले काम आएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, आज हम इतना ही कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाना आप। थैंक यू।